गुरुद्वारा बंगला साहिब ये वो स्थान है जिसने महामारी को सबसे पहले खत्म किया देश के अंदर, जब गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के समय पे चेचक की बीमारी यहाँ आई। और मेरा आज भी मानना है कि यहाँ पे जो आता है वो बीमारी से रहत होकर जाता है। Religious spaces across India have reopened on June 8th, despite the country recording a record daily number of new coronavirus infections. After a 10-week lockdown, the government has risked lifting these restrictions in a bid to ease the devastating blow to the economy. People have not already thronged places of worship, but masked faces were spotted throughout. का पालन किया जा रहा है और जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जहां आपने ये देखा सैनिटाइजिंग का ये बूथ स्पेशली बनाया गया है जो पैर तक को भी आपके सैनिटाइज करता है, धोता है। उसके बाद आप ये कारपेट देख रहे हैं, ये निरंतर सैनिटाइज किए जाते हैं हर घंटे ताकि लोग जब चलें उनके पैर जो हैं वो खराब ना इन्फेक्ट ना हो। देखो मन को तो बहुत आत्मबल मिलता है, शांति भी मिलती है, बट कहीं ना कहीं सुरक्षा हमें ही करनी है। अपनी चीज़ों को ना टच करें, मेटल की चीज़ों ना टच करें, जितना हो दूरी बनाए रखें, अपने हाथ सैनिटाइज रखें जैसे मैंने रखा हुआ है, इस तरह रखते हैं साथ में, थोड़ी थोड़ी दूर अपना रखना पड़ेगा, जैसे नेसेसिटी बन गई हमारी। तो ये सब जो हमें दर्शन हुए आज, हमें यहाँ के बहुत संतुष्टि महसूस हुई है। प्रभु परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि सबको ये दर्शन मिले और ये जो कोरोना वायरस है इसके लिए हमने अरदास करी है, गुरुद्वारे में रोज अरदास हो रही है। आगे भी हम सरबत का भला मांगते हैं और कहते हैं इस बीमारी को जल्दी से जल्दी। आज आता बड़े दिनों बाद मौका मिला है, शुक्र है कहना सोने मैं सजे हुए ने अंदर दरबार सजे है बाबा जी का। गुरुपुरब निकले तो असं सेवा नहीं कर सके, शुक्र है इन्नी दात दिखती है वाहेगुरु ने असं इतने पहुँच सके। दुआ कर रहे थे माशाल्लाह, मस्जिदें खुले हैं, हम मस्जिद में जामें, अल्लाह से दुआ करें ये
कोरोना वायरस बीमारी चली है, महामारी है, ये दूर हुए, कारोबार चले, इस तरीके से दुआ कर रहे थे घर पे। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज मस्जिद में जो नमाज अदा करी है हमने, बहुत खुशी महसूस हो रही है। दो महीने अब लोगों की आदत नहीं रहेगी ये घरों में बैठे बैठे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि नहीं नमाज की इजाज़त मिल गई है, तो उसमें जिस हौसले के साथ लोग जो है अल्लाह को हुज़ूर में जो अपने सजदे पेश करने के लिए आए हैं, जो ये कहीं ना कहीं जताता है कि उनमें जो बंदगी को लेकर या नमाज को लेकर जो है, क्योंकि उनका अपना दिल का तकाजा है वो पूरा किया है।